आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं मशहूर गीतकार और शायर राजा मेहदी अली खां। आपकी नजरों ने समझा प्यार के आबिर दिल की धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल से आपकी नजरों ने। 1946 के शुरुआती दिन रहे होंगे। उर्दू के जाने माने साहित्यकार सादात हसन मंटो ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में कार्यरत अपने एक मित्र को बुलावा भेजा बतौर लेखक हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मंटो मित्र मुंबई पहुंचे, संवाद लेखन आरंभ हुआ। इतना ही नहीं, अशोक कुमार की फिल्म 8 डेज में अभिनय भी किया, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि एक्टिंग या डायलॉग राइटिंग उनके बस की बात नहीं है। उन्हें तो बचपन से शायरी का शौक रहा है। उसी वर्ष फिल्मिस्तान स्टूडियो के निर्देशक एस मुखर्जी ने उन्हें गीत लेखन का अवसर दिया। फिल्म थी दो भाई, संगीतकार थे एस डी बर्मन। दो भाई के ये गीत अत्यधिक पसंद किए गए और ये गीत उस शायर को स्थापित कर गए जिसका नाम था राजा मेहदी अली खान। याद करोगे याद करोगे याद करोगे एक दिन हमको याद करोगे तड़पोगे पर याद करोगे एक दिन हमको याद करोगे आएंगे जब सावन की रातें जाग उठेंगे करोगे मेरा सुंदर सपना बीत गया मैं प्रेम में सब कुछ हार गई बेदर्द जमाना जीत गया मेरा सुंदर सपना बीत गया। 1928 में अखंड भारत के कर्माबाद में जन्मे राजा मेहदी के सर से 4 वर्ष की कच्ची उम्र में पिता का साया उठ चुका था। उस परिवार के करीबी मित्र मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल के अनुसार राजा मेहदी की वालिदा हिबे साहिबा एक जहीन महिला थीं और उस जमाने की एक मानी हुई शायरा भी। मतलब शायरी की घुट्टी तो राजा मेहदी को बचपन से ही मिल रही थी। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के साथ उनका शायरी का शौक बढ़ता ही गया। 1946 का वाकया तो हमने आपको बताया। 1947 में आजादी के बाद उभरी विभाजन की कठिन परिस्थितियों में राजा मेहदी अली खान ने अपनी पत्नी ताहिरा के साथ भारत में ही रहने का निर्णय लिया। और यही नहीं, 1948 में शहीद फिल्म के लिए गाने लिखकर उन्होंने अपनी देशभक्ति का परिचय भी दिया। शहीद के अलावा उस वर्ष उन्होंने एक्ट्रेस विद्या और जिद्दी फिल्म के लिए भी गीत लिखे। लेकिन एक सफल गीतकार के रूप में पहचान बनाने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा 1950 का, जब उन्हें मिली फिल्म आंखें। संगीतकार थे मदन मोहन। मदन मोहन साहब के साथ राजा मेहदी अली खान ने जोड़ी बनाई और फिर सिलसिला शुरू हुआ कामयाब और मशहूर गीतों का। अदा, मदहोश, जागीर, अनपढ़, आपकी परछाइयां।
मेरा साया। आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो झुका कर रो दी, आपके पहलू में आकर रो। वो कौन थी दुल्हन एक रात की। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा दिल मिलाए। वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। जब याद किसी की आती है, और नवाब सिराजुद्दौला, ये तो केवल कुछ नाम हैं उन फिल्मों के जिनके गाने सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए, और इन गीतों ने इस जोड़ी को अमर बना दिया और बनाया राजा मेहदी अली खां को सफलतम गीतकार। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, नजी को जलाना, मुझे भूल जाना। समझना कि था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें। मिलेंगी ना अब तेरी मेरी निगाहें, मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, नदी को जलाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में जिया ले गयो
को प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। राजा मेहदी अली खान संभवतः पहले ऐसे गीतकार थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में प्रियतम के लिए आप शब्द का उपयोग किया। आपकी नजरों ने समझा फिल्म अनपढ़, आप क्यों रोए फिल्म वह कौन थी, आपने अपना बनाया फिल्म दुल्हन एक रात की, ये कुछ उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि राजा मेहदी अली खां केवल संजीदा किस्म के ही गाने लिखते थे, उनकी शायरी का व्यंग्य पक्ष भी अत्यधिक मजबूत था और उनके द्वारा रचे गए कुछ हास्य गीत भी सुनने वालों को भा गए। इन मजाहिया गानों में सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो गीत जो उन्होंने मेरा साया के लिए लिखा। उनका गिरा रे बदले के बाजार में, झूठा गिरा रे बदले के बाजार में, झूठा गिरा झूठा गिरा हाय हाय हाय, झूठा गिरा रे बदले के बाजार में, झूठा गिरा रे। राजा मेहदी अली खां वास्तव में अपनी शायरी की दुनिया के राजा थे, क्योंकि बनी बनाई धुन पर उन्होंने कभी भी शब्द नहीं पिरोए और
ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मदन मोहन के अलावा दूसरे संगीतकारों के साथ कभी काम नहीं किया। अन्य संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है, खेमचंद प्रकाश, बुलोसी रानी, एस एन त्रिपाठी, श्याम सुंदर, गुलाम हैदर, एस डी बर्मन, रवि, रोशन, सी रामचंद्र, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ओ पी नैयर। मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। प्यार कर रहे हूँ तेरे बिन जी लगे ना अकेले, हो सके तो मुझे साथ ले ले। नाजनी तू नहीं जा सकेगी छोड़ कर जिंदगी के झमेले, नाजनी नाजनी तू नहीं जा सकेगी छोड़ कर जिंदगी के झमेले। जब भी छाए घटा याद करना जरा सात रंगों की भूमि कहानी। मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो सब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार कर रही हूं। राजा मेहदी अली खां की कलम से ज्यादातर खुशबूदार फूल ही झरते रहे हैं, अर्थात उन्होंने सबसे ज्यादा रचना की प्रेम गीतों की, जिनमें से वह कौन थी फिल्म के लता जी के गाए इस गीत ने दुनिया के सभी संगीत प्रेमियों के दिल में जगह बनाई। लग जा गले फिर Hey।
जागले। 29 जुलाई को राजा मेहदी अली खां इस संसार से विदा हुए और जाकर बस गए अपने चाहने वालों के, फिल्म संगीत प्रेमियों के दिल में। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, दो अश्क बहा लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है, आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है, अपना अंजाम इन आँखों को नजर आया है, वहशत दिल मैं जरा होश में आ लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। आज मैं गैर हूं, कुछ दिन हुए मैं था, आज मैं गैर हूँ, कुछ दिन हुए मैं गैर न था, मेरी चाहत मेरी उल्फत से तुझे बैर न था, मैं हूँ अब गैर, यकीन दिल को दिला लूँ तो चलूँ, चला जाऊंगा। तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा, आने की कसम आज मैं खा लूं तो चलूं, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, दो अश्क बहा लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। हमारे आज के फनकार थे राजा मेहदी अली खां, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब जयंत पात्रीकर को इजाजत दीजिए, नमस्कार। आज के फनकार।